हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप सभी को अपनी जीमेल आईडी को परमानेंटली डिलीट करनी है अपने फ़ोन से। अगर आप लोग भी कुछ रीज़न से अपने जीमेल आईडी को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो अपने फ़ोन से, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम अपने जीमेल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो सिंपली सी गाइज, आप सभी को अपने जीमेल अकाउंट को डिलीट करने के लिए आप सभी को अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पर अपना प्रोफाइल दिख जाएगी, तो उस पर टैप करके यहाँ पे आ जानी है। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट दिख जाएगी। तो सिंपली सी गाइज, आप सभी को यहाँ पर गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन दिख जाएगी, तो इस पर टैप कर देनी है। इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली सी गाइज, क्या करना होगा, यहाँ पर डाटा एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, तो उस पर टैप कर देनी है। इस पर टैप करने के बाद आप सभी को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करनी है। स्क्रॉल जैसे ही करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, डिलीट ए गूगल सर्विस, एंड आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो डिलीट योर गूगल अकाउंट। तो आप लोगों को यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है डिलीट ए गूगल सर्विस, तो ये नहीं करने हैं। इससे ये होगा कि आपके जीमेल अकाउंट में जितने सारे डाटा रहेगी तो उसको आप इरेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने वाला हूँ, तो नीचे में आप सभी को ऑप्शन देखने को मिल जाएगी डिलीट योर गूगल अकाउंट, तो इस पर टैप कर देनी है। इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली सी गाइज, यहाँ पर बोला है यूज योर पास की टू कंफर्म डेट इट्स रियल यू, मतलब कि जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो आपके मोबाइल में जो भी पासवर्ड है तो ये यहाँ पर डाल देनी है। जैसे ही आप लोग अपना पासवर्ड दे देते हो तो यहाँ डिलीट योर गूगल अकाउंट बोल रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करनी है। स्क्रॉल करने के बाद आप सभी को यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप लोग यहाँ पर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो अपने डाटा के साथ। नीचे में आप सभी को ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, यस आई वांट परमानेंटली डिलीट दिस गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा। तो दोनों ऑप्शन को टिक कर देनी है, एंड डिलीट अकाउंट का एक ऑप्शन नीचे में दिख जाएगी, तो उस पर टैप कर देनी है। इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर लास्ट टाइम पूछेगा योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैव बीन डिलीटेड, यानी आपका गूगल अकाउंट डिलीट हो गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर रिकवर नहीं करना है, आप सभी को यहाँ से इसको कट कर देनी है। कट करने के बाद जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर मेरा दूसरा प्रोफाइल आ रहा था, तो मेरा ऑलरेडी पहले से है दूसरा अकाउंट, तो जुड़ा हुआ है लिंक है तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट आ गया। देन जैसे मैं बताया हूँ वैसे करोगे तो आप बहुत ईजिली अपने जीमेल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो कुछ इस टिप्स से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग अपने जीमेल अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते थे। तो आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।